फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा मैं, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, फील कराऊंगा कि होता क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, यह झुक झुक गाड़ी झुक झुक गाड़ी, ठीक है, ये चल रही है, ये यहाँ पे अपना भाई चिंटू खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अपना भाई चिंटू खड़ा है और यहाँ रखा है उसका एक सूटकेस जिसमें है सोना, सोने का सूटकेस, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदा इस सूटकेस को देखता है यहाँ प्लेटफॉर्म से, ठीक है, बबलू नाम रख देते हैं इसका, ये बबलू है और ये है चिंटू, ठीक है। चिंटू जो है ट्रेन में है, यहाँ पे एक सूटकेस है जिसके अंदर सोना है और ये है बबलू, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये जो सूटकेस है वो रेस्ट पे है या मोशन पे, तो तुम लोग बोलोगे यार मोशन में तो दिख रहा है ये, है ना, क्योंकि ट्रेन जो है वो चल रही है। एक नॉर्मल आदमी जिसके पास एक नॉर्मल ब्रेन है वो बोलेगा यार ये मोशन में है क्योंकि ट्रेन तो चल रही है, ठीक है भाई, ट्रेन चल रही है, ये सूटकेस भी मोशन में है। तो जब चिंटू इसको देख रहा है तो ये रेस्ट में क्यों है, तो जब चिंटू इसको देख रहा है तो ये रेस्ट पे क्यों है, ठीक है, चिंटू के हिसाब से तो ये वहीं का वहीं है, ठीक है, बबलू के हिसाब से ये मोशन में है ना। यहाँ पे जो है एक मस्त सा कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि एक कहावत है हमारे फिजिक्स में, क्या कहावत है, कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन में, ये तो अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, ठीक है, कौन रेस्ट पे और कौन मोशन में, ये तो अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। मतलब क्या, तुम लोग जब इस सूटकेस को मोशन में बोले तो तुम लोग किसके पोजीशन से देखे, बबलू के पोजीशन से, तो यही चीज़ जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। कैसे बोल सकते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बबलू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बबलू, इस पर्टिकुलर पोजीशन को जो है मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बबलू बोलता हूँ और इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ चिंटू बोलता हूँ। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी अगर पोजीशन है, कोई भी अगर पोजीशन है जहाँ से मैं मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ किसी बॉडी के, किसी भी पोजीशन से मैं मोशन को अगर एनालाइज कर रहा हूँ बॉडी के, तो वो जो पोजीशन से एनालाइज कर रहा हूँ वो पोजीशन क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे बबलू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और चिंटू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसी कारण से बबलू को ये मोशन में दिख रहा है और चिंटू को जो है ये रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यार डेफिनेशन पे ज़्यादा मत जाओ, ठीक है, ये जैसे समझना था वो समझ लो, क्योंकि डेफिनेशंस नहीं आते, ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुले हुए रहने चाहिए बस। फिर भी डेफिनेशन चाहिए तो नीचे PDF में नोट्स है डला हुआ, ठीक है, उस नोट्स को जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ तुम्हें डेफिनेशन पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, वो नोट्स भी हमने बनाए हैं, ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो इसका इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ होती है मतलब। तो नॉर्मल कंडीशन में जो है जब कोई भी चीज़ मोशन पे आ जाती है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे चल रही होती है, तो हम कैसे एनालाइज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तब हम ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है, मतलब क्या ग्राउंड रेस्ट पे है और ये चल रहा है, तब क्या लेते हैं हम लोग, ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब धरती पे कुछ चीज़ चल रही होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आगे देखेंगे तो अपने पास क्वेश्चन आएगा कि यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे दूसरी गाड़ी चल रही है, तो इस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका मोशन एनालाइज कीजिए, ऐसा करके भी क्वेश्चन आने वाला है आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो होप यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है तुम्हारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा।